नमस्कार। वायलिन गुरुकुल के पहले लेसन पर मैं संगीता चक्रवर्ती आप सभी का स्वागत करती हूँ। ये जो इंस्ट्रूमेंट आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये बहुत ही पॉपुलर एक इंस्ट्रूमेंट है। आपने कहीं ना कहीं इसको ज़रूर देखा होगा। इसका नाम है वायलिन। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे इसके हिस्ट्री, इसके इतिहास के बारे में, कि ये वायलिन हमारे इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में कैसे आया, क्योंकि ज़्यादातर हम इसे वेस्टर्न म्यूज़िक में देखते हैं या फिर हम ज़्यादातर उस सब कॉन्टिनेंट में ही इसको ज़्यादा इसको बजाया। अपने ऑर्केस्ट्रा देखा होगा, मोजार्ट तो ज़रूर सुना होगा, हम सब ने उसी को उस देश में, उस विदेश में ज़्यादा देखा है। तो ये हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कैसे आया, इसका इतिहास क्या है, ये वायलिन के रूप में सबके सामने कैसे आया, हम ये जानेंगे आज। अगर हम इतिहास के पन्नों को थोड़ा उलट पलट कर देखें तो एक नाम जो सबसे ज़्यादा सामने आता है वो है एंड्रे अमाते। एंड्रे अमाते 1500 सदी के, लाइक 1550s के टाइम पे उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट सबके सामने लाया था, जो पहले तीन तारों का एक स्ट्रक्चर था। तो पहले के जो स्ट्रिंग्स होते थे, आज के ज़माने में हम स्ट्रिंग्स देखते हैं स्टील के होते हैं, पीतल के होते हैं, लेकिन उस ज़माने में एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट था, वो ये है कि एनिमल इंटेस्टाइन से ये स्ट्रिंग्स बनाए जाते थे। तो जो पहला वायलिन हमें हिस्ट्री में देखने को मिलता है वो तीन तारों का था। अब वो चार तारों में कैसे आया, अब जैसे जैसे एंड्रे अमाते एक्सपेरिमेंट करना उसने स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे पॉपुलर हुआ, सबके सामने आया, तब उसे तीन तार से लेकर चार तार में बदल दिया गया। तो आज का जो मॉडर्न वायलिन हम देखते हैं, जिसमें कभी कभी पांच तार भी होते हैं, जैसे कि आप मेरे हाथ में जो वायलिन देख सकते हैं इधर पांच तार है, लेकिन पॉपुलरली वायलिन में फोर स्ट्रिंग्स होते हैं। तो अब ये हो गई वहाँ की बात। अब ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कैसे आया, अब फिर से हम थोड़ा टाइम को पीछे ले जाते हैं, इतिहास के पन्नों को देखते हैं। जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे पहली बार अराउंड 17th सेंचुरी में, जब वो इंडिया आए थे, तब वहाँ के मिलिट्री बैंड्समैन वायलिन अपने साथ लेकर आए थे। तो वहीं से ये धीरे धीरे हमारे इंडियन कल्चर में आता गया। अब एक नाम जो सामने आता है जिन्होंने इस वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट को हमारे इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में लाया, वो है बालू स्वामी दीक्षितार। उन्होंने पहले कार्नेटिक म्यूज़िक में, हमारे इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में दो स्तर हैं, एक है नॉर्थ इंडियन, दूसरा है साउथ इंडियन, जिसको कार्नेटिक म्यूज़िक भी कहा जाता है। तो उस कार्नेटिक म्यूज़िक में उन्होंने पहली बार उनके जो ट्रेडिशनल जो टेम्पल्स में गाना बजाना होता था, तो उस फर्स्ट टेम्पल ट्रेडिशन क्लासिकल म्यूज़िक में उन्होंने इस वायलिन को इंट्रोड्यूस किया था। और कोई शक नहीं है, जो ये ह्यूमन वॉइस के बाद जो इसको स्तर दिया है वो है वायलिन, या फिर जो भी बोइंग इंस्ट्रूमेंट्स है, जैसे सारंगी हो गया, एसराज हो गया, या फिर जितने भी बोइंग इंस्ट्रूमेंट है उसको ह्यूमन वॉइस से, हमारी मानव जो हमारा वॉइस बॉक्स है जिससे हम गाते हैं, बात करते हैं, उससे नीचे वाला स्तर दिया गया है। अब बात यह है कि ये तो आ गया हमारे इंडिया में। अब इससे जुड़े कई सारे ओपिनियन, कई सारे डिबेट होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि वेदों में एक इंस्ट्रूमेंट है, जैसे हम जानते हैं कि वीणा सब इंस्ट्रूमेंट की माँ है, सब स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट की जो वीणा है वो उनको माँ कहा जाता है। अब वेद में ऐसा एक देखा गया है कि धनुर्वीणा, धनु जिसका लिटरल मीनिंग है बो, ये आप हाथ मेरे हाथ में बो देख रहे हैं, धनु का लिटरल मीनिंग है बो, और वीणा तो वीणा है, तो ऐसा कहा जाता है कि वो वीणा जिसको धनु या बो से बजाया जाता है उसे धनुर्वीणा कहते हैं। ऐसे कई सारे मतभेद हैं हमारे हिस्ट्री में, लेकिन आपने मेरे ओपिनियंस भी सुने या फिर जो ओपिनियन हैं आपने वो भी सुने। तो ये था एक शॉर्ट ब्रीफ एक हिस्ट्री वायलिन के बारे में, ये कैसे आया, कहाँ से आया। हम दूसरे क्लास में
इसके बारे में, इसकी एनाटॉमी, इसके हर एक स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए वायलिन गुरुकुल।